homesick. After reached his home, it was obvious from the first that the only possible object of the strange advertisement and the peculiar job was to get Mr. Wilson away from his shop for some hours every day. The red-headed league was a clever idea. In Mr. Wilson's absence, Clay and his red-headed companion wanted to dig an underground tunnel from Mr. Wilson's house to the bank. Then they would be able to enter the bank and steal the gold without breaking open the doors of the bank. Using the tunnel, they entered the cellar. They planned to steal the gold and go back to Mr. Wilson's house again through the tunnel and then get away. But how could you guess what their motive was? When I heard that the assistant worked for half the wages, I became suspicious. Using Mr. Wilson's description of his assistant, I made inquiries. I found that he was the criminal Clay. Why was he working in Mr. Wilson's shop? In his habit of going into the cellar every now and then, I inferred that he must be digging a tunnel to some other building. When we visited the shop, I beat upon the pavement with my stick to find out whether the cellar stretched out in front or behind. It was not in front. I saw the bank on the other side of the house and guessed what the criminals had in mind. When Clay answered the bell, the knees of his trousers were wrinkled and stained. It confirmed my suspicion that he was digging. You know the rest of the story. You reasoned it out beautifully, I exclaimed in admiration. जब जॉन क्ले पकड़ा जाता है उसको मिस्टर जोन्स के हवाले कर देते हैं मिस्टर शर्लॉक होम्स तब वो उनके जो साथी है डॉक्टर वॉटसन उनसे बात करते हैं कि जब हम यहाँ से हम उनके घर पर पहुँचे आफ्टर वी रीच्ड हिज होम इट वाज ऑब्वियस फ्रॉम द फर्स्ट दैट ये बात जाहिर थी कि ओनली पॉसिबल ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रेंज एडवर्टाइजमेंट वो अजीबोगरीब किस्म के एडवर्टाइजमेंट रेड हेडेड लीग जो थी जो रेड हेडेड मैन की खाली असामी के ताल्लुक से थी वो एक पेक्यूलर एक अजीब किस्म का एडवर्टाइजमेंट था वो सिर्फ उसका मकसद ये था कि मिस्टर विल्सन को रोजाना कुछ घंटों के लिए अपने शॉप से अवे अपने शॉप से दूर रखना ये उस एडवर्टाइजमेंट का मकसद था और इस दौरान में क्ले और उसका यानी जॉन क्ले जो एलियस विंसेंट स्पॉल्डिंग और उनका रेड हेडेड उसका साथी डंकन रॉस ये दोनों उस दौरान में यहाँ पर आकर के टनल यानी सुरंग खोदते थे जिस सुरंग से वो बाहर आए थे तो वो डिग करते थे खोदते थे ये उनका खास मकसद था और इस दौरान जब वो यहाँ खुदाई करेंगे इतनी देर के लिए मिस्टर विल्सन शॉप में नहीं होना चाहिए तो उनको इस तरीके की झूठी एडवर्टाइजमेंट बना करके रोजाना कुछ घंटे के लिए अपने शॉप और घर से उनको दूर कर दिया गया उसका ये मकसद था और यहाँ पर उनका खास मकसद ये सुरंग खोद कर बैंक तक पहुँचना वहाँ से सोना चुराना वापस फिर मिस्टर विल्सन के हाउस में आकर के इस शॉप से आकर के सोना लेकर के यहाँ से फरार हो जाना हमेशा के लिए उनका मकसद था फिर डॉक्टर वॉटसन अगला सवाल करते हैं मिस्टर होम्स से कि लेकिन ये तो ठीक है लेकिन आपको उनका मकसद कैसे समझ में आया सुरंग खोदने की बात ठीक थी तब मिस्टर शर्लॉक होम्स कहते हैं कि जब मैंने सुना कि ये विल्सन स्पॉल्डिंग एलियस जॉन क्ले हाफ वेजेस पर काम करता है आधी तनख्वाह के ऊपर काम करता है तो आई बिकेम सस्पिशियस डाउटफुल इसका मतलब होता है शक हुआ मुझे शक गया तो जब मिस्टर विल्सन से मैंने उसका डिस्क्रिप्शन पूछा था कि कैसा दिखता है मैंने इंक्वायरीज की तब मुझे पता चला कि ये एक मशहूर क्रिमिनल मुजरिम जॉन क्ले है तब मैंने सोचा कि जॉन क्ले एक ऐसी शॉप की दुकान में एक ऐसी शॉप में क्यों काम कर रहा है तब फिर जब तुमको याद होगा जिस दिन हम वहां पर गए थे तो मैंने वहां पर पेवमेंट पर अपनी छड़ी से ठोका था तो मैं ये जानना चाहता था कि ये सुरंग खोद रहे हैं
और ये सुरंग आगे से खोद रहे हैं या पीछे से खोद रहे हैं। तब वो सुरंग इट वॉज नॉट इन फ्रंट, उन्होंने आगे से सुरंग नहीं खोदी थी, उन्होंने सुरंग पीछे से खोदी थी। तुमको याद होगा जब क्ले ने जब बेल का जवाब दिया था, हमने बेल बजाई थी और उसने दरवाजा खोला था, तो मैं उसके नीज देखने की मैंने बात की, उसके घुटने देखने की बात की, उसके ट्राउजर यानी पैंट के ऊपर, तो मैंने देखा कि उसके नीज पर यानी कि पैंट के ऊपर नीज के ऊपर रिंकल है, झुटिया पड़ी हुई और स्टेन यानी मिट्टी के धब्बे लगे हुए हैं। इट कन्फर्म्ड माई सस्पिशन, और तभी मेरा सस्पिशन मेरा शक कन्फर्म हुआ, यकीन के अंदर बदला कि ये यकीन टनल ही खोद रहे हैं। और वो आवाज़ जो पीछे की तरफ आई थी ठोकने में थंप करने के अंदर, तब मैंने अंदाजा लगाया पीछे बैंक थी, तो वो यकीनन बैंक की तरफ ही टनल खोद रहे हैं। तब मेरा ऐसा शक गया और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ तुम यू नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरीज, बाकी की कहानी तुम जानते हो। तब डॉक्टर वॉटसन ने कहा कि यू रीजन इट आउट ब्यूटीफुली, आपने सही रीजन किया है, लॉजिक करना, इसको मंतिक के जरिए अंदाजा लगाना, गेस करना, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। मैंने उनकी तारीफ में इस तरीके से कहा और इसी के साथ हमारा ये लेसन 3.5 द रेड हेडेड लीफ का दूसरा पार्ट भी खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।